ले चल रहे आपको अजीतगढ़ की ओर, जहां कलेक्टर ने अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अस्पताल में पाई कई खामियां, जिसको लेकर कलेक्टर ने कर्मचारियों को लगाई फटकार। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने अजीतगढ़ के बाबा नारायण दास राजकीय सामान्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई कमियां पाई गई। केवल एक्सरा एवं निशुल्क जांच का कार्य ही सराहनीय पाया गया, बाकी अन्य कार्यों में भारी कमियों को देखते हुए कलेक्टर ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि पीएमओ को इस बारे में नोटिस दिया जाए, साथ ही कमियों में सुधार नहीं किया गया तो पीएमओ पर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी पीएमओ को ही होगी। चिकित्सा व्यवस्था को लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत ही संवेदनशील हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बजट घोषणाएं भी की हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी लागू की है, और इसी के चलते हम भी जिले भर में जितने भी प्रशासनिक और चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं, सभी को निर्देश दिए गए हैं कि हॉस्पिटल्स की छोटे बड़े सभी की अच्छे से जांच की जाए, उनमें देखा जाए कि पब्लिक को किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। कोई ऐसी सुविधा जो कि सरकार के द्वारा घोषणा की हुई है लेकिन वो धरातल पे मिलने में कोई असुविधा तो नहीं हो रही है, तो इसी के चलते आज हमने यहाँ पे जो निरीक्षण किया है अजीतगढ़ SPH का, उसमें कई तरह की कमियाँ हमको नज़र आई हैं। OPD से लेके और अंदर कई तरह की ऐसी सुविधाएँ हैं जिनको ठीक से, जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और उसमें कई जगह पे पेशेंट्स को जो है दवाइयाँ भी DDC में जो उपलब्ध नहीं है वो दवाइयाँ भी लिखी जा रही हैं। तो ये सब बहुत ही गंभीर चीज़ें हैं, और इसके बारे में हम अभी डिटेल रिपोर्ट तैयार करके और PMO से इसके बारे में जवाब मांगेंगे कि क्या कारण है कि यहाँ पे इस तरह की अव्यवस्था कई जगह पे पाई गई। कुछ जगह कुछ इनके जो निःशुल्क जाँच के और एक्सरे के और कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि अच्छे से चल रहे हैं, जिसके लिए कि जो प्रभारी हैं वो डेफिनेटली उसके लिए तारीफ के पात्र हैं, लेकिन अधिकतर जगह हॉस्पिटल में कई तरह की अव्यवस्थाएँ हैं जिनको कि ठीक करने के लिए PMO साहब की जिम्मेदारी तय की जाएगी, और उसके बाद फॉलोअप करके यदि आवश्यक सुधार नहीं हो